गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स. माय सेल्फ दीपिका धनवानी एंड आई एम काइंडली और हार्टली इनवाइटेड यू टू ज्वाइन द क्लासेस ऑन बिहाफ ऑफ आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड जीनियस स्कूल ऑफ कॉमर्स. रिगार्डिंग द 11th स्टैंडर्ड द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी वी टूक एटलीस्ट 3 or 4 लेक्चर एंड बिफोर लेक्चर्स प्रीवियसली लेक्चर we studied or deeply understand the basic terminology of accountancy and the meaning of accountancy, accounting, and then if you remember we talked on types of accounts in which we, if you remember that we discussed there are the major 3 types, personal, real and nominal, the rule of debit and credit in personal account, real account and nominal account. And if you remember we also took the revision question of applying the nature or identify that transaction is consists what kind of nature and how to apply the rule of debit and credit. Today we are taking the next chapter, the chapter number 3. The basic terminology and meaning of accounting is part of your chapter number 1. The types of accounts and the rules of debit credit is the chapter that topic is consist in chapter number 2. Now the chapter number 3 is general. It is your from textbook. Today here we try to get the more practice of identify the nature of each transaction, how to apply the debit and credit, and how we can record it in journal book. Firstly, the chapter number 3 mentioned here, the name of topic is journal. Firstly, we will have to understand the meaning of journal. What do you mean by journal? General book is a book of original entries. Here the one statement is mentioned. General book जो है एक ऐसी book है जिसमें original entries को लिखा जाता है. If you are not able to get what is the meaning of entries and such kind of, धीरे-धीरे practice करते-करते आ जाएगा समझ में. Got it? In such book of accounts, ये accounts की एक ऐसी book है in which all the financial transaction of the business. बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. देयर इज डिफरेंट बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर दोज विच इज मेजरेबल इन मनी, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं. एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक, उसको क्योंकि हम मनी में मेजर ही नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक बुक सेल करी और आपसे 40 rupees कलेक्ट कर दी है, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है. और आपने मुझे फॉर एग्जाम्पल एज अ बुक दी और उसके बिहाफ पे मैंने कोई पेमेंट नहीं दिया, एज अ रिटर्न मैंने आपको अप्रिसिएट कर दिया, थैंक्स कर दिया, तो ये एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है हमारे बीच में. तो केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ डेट, वो भी डेट की वाइज, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से. इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विथ वॉट अमाउंट. ये कैसी बुक है जो हमें हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में, रिकॉर्ड करने में कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा. एंड द ट्रांजेक्शन फर्स्टली रिकॉर्डेड हियर विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. और ये एक ऐसी बुक है जहां पर सबसे पहली बार बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, वो भी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ. तो आफ्टर सम अप विद ऑल द पॉइंट्स यू कैन इजीली रिमाइंडर कि जनरल एक बुक है, ओरिजिनल बुक है, एक ऐसी बुक है जहां पर सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, ब्रीफ में होता है, विद एक्सप्लेनेशन होता है. यह जनरल बुक में ही हम किसी भी ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट करना सीखते हैं, किस अमाउंट से होंगे वो सीखते हैं, और इसमें हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा और हमेशा ऑर्डर ऑफ डेट के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड होगा. तो ये कहलाती है हमारी जनरल बुक. द सेकेंड टॉपिक इज मेंशन्ड हियर द फीचर्स ऑफ जनरल बुक. इसके क्या क्या फीचर्स हैं? इफ यू डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर सच फीचर्स, हम इस मीनिंग में से भी ऑब्टेन कर सकते हैं फीचर्स को. जैसे जनरल बुक एक ओरिजिनल बुक है, पहला फीचर. सेकेंड, जनरल बुक एक ऐसी बुक है जहां पर किसी भी बिजनेस का फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, वो भी ब्रीफली,
गॉट इट? जनरल बुक एक ऐसी बुक है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होते हैं. नेक्स्ट, जनरल बुक ही हेल्पफुल होती है किसी भी अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, कितने अमाउंट से डेबिट करना है, कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है. ओके, गॉट इट? तो एक समअप लिखा हुआ है फीचर्स का. फर्स्ट, इट इज दी ओरिजिनल बुक, ये ओरिजिनल बुक है. सेकेंड, ड्यूल इफेक्ट. ड्यूल इफेक्ट पे हम डिस्कस कर चुके हैं. हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, पहला इफेक्ट डेबिट, दूसरा क्रेडिट. तो डेबिट और क्रेडिट बेस पे चलती है, ड्यूल इफेक्ट एनालिसिस करती है. टू कॉलम फॉर अमाउंट, इसमें हमेशा अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, डेबिट का अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट. द ऑर्डर ऑफ डेट एज वी डिस्कस्ड राइट नाउ कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डेट वाइज से रिकॉर्ड होगा. एंड नेक्स्ट, नरेशन. द नरेशन मीन्स यू कैन से द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ट्रांजेक्शन. आपके ट्रांजेक्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है नरेशन. इफ यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ नरेशन, तो जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन. सो देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ योर जनरल बुक. थर्ड, हियर आई मेंशन द फॉर्मेट ऑफ जनरल बुक. जनरल बुक का फॉर्मेट क्या होता है देखिएगा. सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर आता है, थर्ड नंबर पर एलएफ लिखा जाता है. इफ यू डोंट नो एलएफ, डोंट ट्राई वेरी हेक्टिक टाइप अमाउंट. आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा कि एलएफ क्या होता है इन फर्दर क्लासेस. नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज अमाउंट. अमाउंट हैज द टू डिवीजन इफ यू आर एबल टू वॉच, डेबिट क्रेडिट. इस तरीके का फॉर्मेट होता है. डेट सब जने जानते हैं, ईच एंड एवरी नो डेट क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेट जो भी है. पर्टिकुलर में डिसाइड होता है विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड. कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये हम पर्टिकुलर अमाउंट में मेंशन करते हैं, पर्टिकुलर कॉलम में. सॉरी. नेक्स्ट, एलएफ लेजर फोलियो, इसे अभी छोड़ दीजिएगा, सिर्फ मेंशन करना सीखिए. इसका कोर मीनिंग क्या है वो फर्दर क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा. नेक्स्ट, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट. तो डेबिट अमाउंट का कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट का कॉलम. एक एग्जांपल मैंने लिया है शॉर्ट टर्म टू गेट अंडरस्टैंड. सबसे पहले की पढ़ाई में सारे टॉपिक को कंसीडर करते हुए किसी भी ट्रांजेक्शन को जनरल बुक में लाने के लिए फर्स्टली यू आर हैव टू प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ रूल, एंड द थर्ड टू पुट इट इन अ सिस्टमैटिक वे. सबसे पहले हमें नेचर पता होना चाहिए, फिर रूल एप्लीकेशन करना आना चाहिए, और उसके बाद उसे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है. हियर आई मेंशन द गुड्स ऑफ 5000 रुपीस परचेज ऑन कैश. जैसे ही वर्ड गुड्स कहते हैं रिमेंबर हो जाना चाहिए कि गुड्स जिसमें आप बिजनेस करते हैं वो गुड्स कहलाता है. गुड्स परचेज करी है कैश पे. अब यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का नेचर देखो, एक तो आ रहा है गुड्स परचेज, और हर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का ड्यूल इफेक्ट एनालिसिस करना है. ओके, ड्यूल इफेक्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम बाइंग अ बुक फ्रॉम यू, मैं एक बुक आपसे खरीद रही हूँ, तो आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि बुक तो जा रही है और उसके बिहाफ पे उतना ही एज में आपको पेमेंट आ रहा है. तो जितना आ भी रहा है और जा भी रहा है मीन्स आपको दोनों इफेक्ट पड़ने हैं एज अ एंटरप्रेन्योर. इफ यू परचेज अ गुड्स, फर्स्ट आपने गुड्स खरीदा, गॉट इट? फर्स्ट इफेक्ट ट्रांजेक्शन का ये हुआ. गुड्स खरीदने आपने किस बिहाफ पे खरीदा, आइदर यू नो देयर इज अ मेजर टू ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन एंड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन. यू पेड द कैश फॉर बाइंग गुड्स, तो दो इफेक्ट हो गए. सबसे पहले फर्स्टली यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द टू इफेक्ट इन योर ट्रांजेक्शन. पहला इफेक्ट मैंने एनालिसिस कर लिया कि मैं गुड्स खरीद रही हूँ और खरीद रही हूँ तो डेफिनेटली मेरा कैश डिस्पैच हो रहा है. देन सेकेंड, आइडेंटिफाई द नेचर. नेचर आपको आइडेंटिफाई करना है. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट इफ वी आर बाइंग और सेलिंग द गुड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स असेट्स, इट इज ऑफ द रियल नेचर और रियल अकाउंट. तो जब भी कोई गुड्स और असेट्स की बात होती है वो रियल अकाउंट के अंदर आता है. गॉट इट?
कैश, कैश इज ऑल्सो कंसिडर इन रियल अकाउंट. गॉट इट? क्योंकि कैश कोई पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, नॉमिनल अकाउंट है नहीं, तो बचा एक रियल अकाउंट. तो दोनों ही रियल अकाउंट नेचर के हैं. गॉट इट? अब नाउ यू हैव टू अप्लाई द रूल. अगर रियल अकाउंट के रूल की बात करो तो डेबिट और क्रेडिट. रियल अकाउंट की इफ यू रिमेम्बर द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट वॉज गोट आउट, गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. यहाँ पे कम्स की बात करते हैं और यहाँ पर गोज आउट की बात करते हैं. अब जब भी हम बिजनेस में कुछ परचेज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास गुड्स आता है. तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि जो परचेज है वो डेफिनेटली डेबिट होगी. क्यों? क्योंकि परचेज रियल अकाउंट है. सेकेंड चीज, रियल अकाउंट में डेबिट जब कोई आता है और क्रेडिट जब कोई जाता है बिजनेस से. नेक्स्ट कैश की बात, कैश भी रियल है. रियल अकाउंट पे सेम रूल है, डेबिट कम्स क्रेडिट गोस. तो जब आप कोई भी गुड्स खरीदते हो तो आप अगर उसका कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश आपके हाथ से जा रहा है. मीन्स कैश की पोजिशन क्या हो गई? क्रेडिट. व्हाट इट? जब हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि एक ट्रांजेक्शन में डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है, तो फिर उसके बाद उसे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना रहेगा और फर्स्ट रिकॉर्डिंग उसकी जनरल में ही होती है. जो भी डेट अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मेंशन कर लो. फॉर एग्जांपल 2 जुलाई 2019 का ट्रांजेक्शन है. नाउ यू कैन इजीली पुट इन पर्टिकुलर परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. हमेशा याद रखना जब हम क्रेडिट लिखते हैं तो उसके आगे टू वर्ड लगाते हैं और थोड़ा सा स्पेस से जैसे आपको दिख रहा है इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है पुट ऑन करने की. अमाउंट दोनों में सिमिलर है, ऑब्वियस है. इफ आई एम बाइंग द 5000 रुपीज गुड्स, आई एम पेइंग द 5000 ऑन बिहाफ ऑफ परचेज, तो डेबिट के अमाउंट में भी 5000 और क्रेडिट के अमाउंट में भी 5000. नाउ यू आर एबल टू मेक और ट्राइंग टू प्रैक्टिस हाउ टू प्रिपेयर द जनरल बुक. आई मेंशन डेट, आई मेंशन पर्टिकुलर, एलएस शुड बी ब्लैंक. अभी ब्लैंक रखिए. अमाउंट पुट कर दिया. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नरेशन, हाउ टू राइट नरेशन. नरेशन मीन्स जो ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसे यहाँ पर लिख दीजिएगा. बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 5000 परचेस्ड ऑन कैश, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है बस उसे नीचे इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा. अब आपको समझ में आया कि why we call the general book is the original book, first book where we recorded firstly the transaction and it shows the brief explanation of the transaction. हमने dual effect को use किया, debit credit identify किया, हमने accounts का nature identify किया, rule apply किया, systematic उसे जमाया, उसका narration भी mention किया. इस तरीके से if you have you will have to try to make some efforts to practice such kind of on such kind of transactions. For example, take it the second example, commission received rupees 9000. आपको 9000 रुपए का commission मिल रहा है. Okay, you are getting some income. Now try to make it first transaction जैसे commission received हो रहा है. एक identify हो गया कि income हो रही है आपको commission के form में. सेकेंड 9000 रुपीज कोई आपको दे रहा है, मींस यू आर गेटिंग कैश, कैश फॉर्म में दे रहा है. अगर वी आर यूजिंग इफ यू हैव द क्वालिटी दैट दे आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट तो वो कैश में ही काउंट होगा. गॉट इट? या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर इस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात होती है तो हम कैश की जगह बैंक कार्ड यूज कर सकते हैं. इफ समबडी इज नॉट गिविंग अ कैश टू यू, दे आर ट्रांसफरिंग ऑन योर अकाउंट, तो हम बैंक यूज कर लेंगे. गॉट इट? तो जब भी कमीशन रिसीव हो रहा है मीन्स पहला कमीशन रिसीव, सेकेंड कैश. इफ यू रिमेम्बर इफ यू आर रिसीविंग समथिंग इट इज योर इनकम, ये आपकी इनकम है बेटा. और इनकम ऑलवेज कंसिडर इन नॉमिनल नेचर. इनकम और एक्सपेंसेस हमेशा नॉमिनल नेचर में आते हैं. और कैश की बात करें, अभी आई एम ओनली जस्ट कंसिडरिंग द कैश, नॉट टारगेटिंग द बैंक. मान लीजिए आपको कैश कमीशन मिल रहा है तो कैश इज रियल अमाउंट. गॉट इट? और रियल अमाउंट का रोल आपको पता ही है, डेबिट क्रेडिट का. नाउ यू रिमेम्बर नॉमिनल नेचर का डेबिट और क्रेडिट रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम. एंड हियर यू आर रिसीविंग मींस इट इज योर इनकम. तो कमीशन की पोजीशन हमेशा क्रेडिट साइड में होगी पर्टिकुलर के. और कैश इज द रियल अकाउंट. रियल अकाउंट सेज
डेबिट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. अब यहाँ पे कैश आ रहा है, मींस कैश डेबिट होगा. देन पुट इट इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म, डेट मेंशन कर दीजिए. कैश आ रहा है मींस कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट के लिए आपको आइडेंटिफाई किया है, आगे टू वर्ड होना चाहिए. देन राइट डाउन व्हाट इज द क्रेडिट कमीशन अकाउंट एंड राइट द अमाउंट हियर 9000. लीव द ब्लैंक एलएफ. नाउ प्लीज ट्राई टू मेक फ्रॉम योर साइड एफर्ट्स फॉर प्रैक्टिसिंग रिगार्डिंग टू हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जनरल बुक. गॉट इट? थैंक यू.